वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं क्या बताऊंगी, वो इंडक्शन स्टोव के बारे में मैं बताऊंगी। आप देखिए, बहुत इजी है इसमें काम करने में, इसलिए वो बर्तन रख सकते हैं, दूध हम काम कर सकते हैं, दूध उबाल सकते हैं, गर्म पानी और जो भी चीज़ हम इसमें खाना बना सकते हैं, चपाती, डोसा, इडली सभी बना सकते हैं। इसमें इंडक्शन बेस्ड वो बर्तन लाना चाहिए, बस इतना ही है। थोड़ा हमको गैस भी बचता है, बहुत इजी रहता है इसमें। अभी स्विच ऑन करने के बाद इसमें लाल कलर लाइट आता है, ऑन ऑफ रहता है, वो फंक्शन रहता है। फंक्शन दबाने के बाद इसमें पूरा लाइट एक एक आता है, हॉट पॉट, ग्रिल, फ्राई, टी रहता है। इसमें देखिए, टाइम, राइस, सूप, मिल्क, स्टू रहता है। ये माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं टेम्परेचर। वो टाइम प्रेस करके हम इसमें 5 मिनट 10 मिनट रखेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये बहुत इजी रहता है। इसमें बर्तन है ना, पूरा कुकर, वो तवा, सभी डोसा बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए, सिर्फ वो इंडक्शन बेस्ड बर्तन लाना है। बहुत इजी रहता है काम इसमें। अभी मैं पानी रखती हूँ, देखिए ऑन करती हूँ। इसमें 1800 आ जाता है। ये ज़्यादा कैसे आता है, 200 बढ़ता है, 2000 आता है, उसके ऊपर नहीं आता है। देखिए, फिर कम कर सकते हैं, 1800 ऐसे ऐसे 200 200 कम होता है। देखिए, 1200 1000 ऐसे कम कर सकते हैं। 200 है, 200 400 तक आता है, 200 के नीचे नहीं आ जाएगा। अभी देखिए, 400 600 800 1000 ऐसे बढ़ जाता है। हमको जल्दी वो तो उबालना है, दूध उबालना है, गर्म पानी चाहिए, तो 2000 रख सकते हैं, नहीं तो 1800 रख सकते हैं। देखिए, 2 मिनट में पानी कैसे गर्म हो गया। देखिए, बहुत इजी रहता है। सिर्फ इसमें इंडक्शन कुकर, इंडक्शन मतलब बेस्ड, नीचे बेस्ड रहता है ना, वो इंडक्शन टाइप का तवा आना चाहिए, फ्राई करने के लिए, डोसा चपाती बनाने के लिए चाहिए। थोड़ा वो ये सिल्वर टाइप का बर्तन भी रख सकते हैं, बाकी नहीं वो ऑन नहीं होता है। देखिए, गर्म पानी हो गया, बहुत इजी रहता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।